हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्लेन बॉर्डर ब्लाउज की सिलाई बताऊंगी। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मैंने इसका लिंक दे दिया है। देखिए, ये मैंने ब्लाउज की कटिंग है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये बैक पार्ट की, और ये इसकी दोनों हुक पट्टियां हैं हुक आई के लिए। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की प्लेटें बनाएंगे। हमारे जो नीचे की ये प्लेट होती है, ये हमें आधा इंच के चौड़ी की सिलाई लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ से हम आधा इंच चौड़ाई पे इसकी प्लेटें बनाएंगे। दूसरे पार्ट के भी इसी तरह प्लेट बना लें। अब हमारे जो बाकी के ये तीनों प्लेटें हैं, ये हमें या तो एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएं या फिर एक क्वार्टर के हिसाब से निशान लगा लें। ये हमारी तीनों प्लेटें इसी तरह से बनेगी। ये मैंने दोनों पार्टों में प्लेटें बना ली हैं। अब हम हुक आई के लिए पट्टी लगाएंगे। अब हमारे इस वाले पार्ट में हुक की पट्टी लगेगी। हमें पट्टी को डबल कर सीधी साइड रख के सिलाई लगानी है। अब एक सिलाई अब ऊपर की तरफ से लगाएंगे, लग की सिलाई। अब हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी को हमें उल्टी साइड से रख के लगानी है। देखिए, इसे हमें सिंगल पट्टी करके लगानी है। अब एक सिलाई ऊपर की तरफ हमें लक्की लगानी है। अब जो हमारी हुक की पट्टी है, अब इसे हम उल्टी साइड से मोड़ देंगे। यहाँ पे हम बड़े टाके के लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी तुरपाई होगी। अब हम आई की पट्टी को सीधी तरफ से मोड़ेंगे। देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। अब हमें सीधी साइड से इस तरह से मोड़ के सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से बिठा लें और फिर सिलाई लगाएं। अब एक साइड की और सिलाई लगाएं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी कटिंग कर दें। इसी तरह दूसरे की भी कटिंग कर लें। ये मेरे फ्रंट पार्ट की प्लेटें तैयार हो गई हैं। अब हम बैक पार्ट की प्लेटें बनाएंगे। देखिए, हमारा जो ये बैक पार्ट की जो प्लेट है, इसे भी हम आधा इंच की चौड़ी में बनाएंगे। ये प्लेटें बन गई है। अब हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो कोई अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपल इसी तरह से भी मोड़ सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से ही मोड़ दूंगी। यहाँ पे चाहे तो आप मोटी टाके की सिलाई भी लगा सकते हैं तुरपाई के लिए, या फिर पक्की इसी तरह से सिलाई लगा दें। इसी से यहाँ नीचे की सिलाई हो गई है। अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट को सीधा रख के और फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के हमें इसे मिला के सिलाई लगानी है। पहले यहाँ से पक्का कर ले, फिर सिलाई लगा के दूसरी तरफ से भी पक्का कर ले। इसी तरह दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर ले। अब हम एक सिलाई और लगाएंगे।
इस तरह से मैंने तीरे की सिलाई कर ली है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू के लिए सबसे पहले हम नीचे बॉर्डर की तरफ से मोड़ेंगे। यहाँ पे भी आप चाहे तो अलग से पट्टी लगा सकते हैं या फिर सीधा आप इसी को ऐसे ही मोड़ सकते हैं। इसी तरह दूसरी बाजू में सिलाई लगा लें। अब हम मुंडे से बाजू को जोड़ेंगे। पहले हम इसे फोल्ड करके देख लें। जो हमारा कट वाला भाग है इसे हमें फ्रंट टैब पे रखना है। अब देखिए जो हमारे बीच में कट आ रहा है, इस कट को सिलाई के से जोर से मिलाते हुए हमें इसे मिलाते हुए ले जाएं। इसे मिला के अब जहाँ पे हमारा ये बाजू आ रही है वहां से सिलाई लगाना शुरू करें। आधे इंच के मार्जिन से पूरे में सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरी बाजू को भी जोड़ लें। ये मैंने दोनों बाजुएं लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम किनारे को बंद करेंगे। देखिए इसे हमें सीधी तरफ से, हमें ब्लाउज के सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। अब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। देखिए इस तरह मोड़ के अब एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। इस तरह से हमें दोनों किनारियों पे सिलाई लगानी है। ये देखिए ये इस तरह से हमारी किनारी बंद हो जाएगी। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम बाजू पे निशान लगाएंगे। बाजू हमारी 12 इंच की है, उसका आधा 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 39 इंच की है, उसका 14.5 बैठता है, लेकिन मैं यहाँ 1/4 कम 9.5 पे निशान लगाऊंगी। ये मेरा बिल्कुल सही आएगा। कमर हमारी 34 इंच की है, उसका चौथा हिस्सा 8.5, यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमें बिल्कुल नीचे से नहीं लगाना, हमें 1.5 इंच के करीब ऊपर से निशान लगाना है, क्योंकि हमारा 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा। अब हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से हम थोड़ा पक्का कर लें। पक्का करके अब ये सिलाई लगा लें। अब एक पैर की और सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरी तरफ भी निशान लगा के सिलाई लगा दें। ये मैंने फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर देंगे। सीधा करके अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच की है, हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे रख के अब दूसरी तरफ भी निशान बना लें। अब जो हम मार्जिन को हम इधर की साइड ना रखे, हमें दूसरी तरफ रखना है। दूसरी तरफ रखे हमें इसको इस तरह फोल्ड करके, देखिए ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम मोटे टाके की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी तुरपाई होगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें।
देखिए ये मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हम गले के लिए पाइपिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने उरी पट्टी काटी थी, उरी पट्टी को पहले सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। देखिए इसको हमें इस तरह से रख के सिलाई लगानी है। इसी तरह एक और पट्टी भी जोड़ लेंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। ये मेरी उरी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको गले पे लगाएंगे। हमें ब्लाउज के सीधी तरफ रख के पट्टी को लगाना है। देखिए इसे रख के हमें आधा इंच छोटे में हमें सिलाई लगानी है। पट्टी लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर दें। अब जहाँ जहाँ हमारी गोलाई आ रही है देखिए गोलाई की तरफ हमें कट का निशान लगाना है। कट करने के बाद अब हम देखें पट्टी को हमें इस तरह से मोड़ना है। देखिए इस तरह मोड़ के अब हमें बिल्कुल किनारे पे ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है। हमें नीचे की साइड से नहीं, हमें ऊपर की तरफ से किनारे में सिलाई लगानी है। हमें नीचे की तरफ कपड़ा भी देखते जाना है, उस कपड़े का दबाव हमें पट्टी की तरफ रखना है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करके अब हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ ये इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके फिर ऐसे मोड़ना है। आपको जितनी भी मोटी या पतली पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से मोड़ लें। ये देखिए मैंने इतनी मोटी पाइपिंग रखी है। आपको जितनी भी रखनी है उस हिसाब से रख लें। इसी तरह से हम पूरे गले में पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ से भी हम इसे अंदर के साइड फोल्ड करके फिर इसको इसे मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से पाइपिंग तैयार हुई है। अब हम स्टिच बटन के लिए पट्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी ली है, इसको ऐसे मोड़ के सिलाई कर लें और इस तरह से पट्टी बना लें। अब हम इसको बीच में से काट देंगे, इसके दो टुकड़े कर लेंगे।
अब हमारा जहाँ तीरा सिला जाता है या मुड्डे की तरफ, वहाँ पे इसको लगा देंगे। अब हमारा पूरा ब्लाउज सिल के तैयार हो गया है। मैंने इसमें हुक आई भी कर दी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हुक और यहाँ तुरपाई और इधर की साइड आई भी बना दी है। ये मेरा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें।